हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ टॉक्स बाय रुखसाना एंड दिस इज योर होस्ट रुखसाना। आज आपको जिससे मिलाने वाली हूँ, शी इज मिस शेफाली नायर। शी इज एन आर्टिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट। यस, यू गॉट इट राइट, शी इज एन आर्ट थेरेपिस्ट। और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस शेफाली। वेलकम, नमस्ते टू दिस शो। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई इन्वाइट एंड कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, माई प्लेजर। शेफाली, हम आर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वॉट इज़ दिस, मतलब आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट वॉट इज़ दिस आर्ट थेरेपी। मतलब मैंने तो नहीं सुना है, सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन टू अस कि आर्ट थेरेपी। सी, आर्ट थेरेपी इज अ साइंस ऑफ हैप्पीनेस, आई वुड से, ओके, सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। ओके, एंड इन टेक्नोलॉजिकल टर्म्स आई वुड से इट्स वर्किंग विथ योर इमोशंस एंड योर साइकोलॉजी। ओके, यस। सो यू मीन टू से थ्रू आर्ट्स हम हमारे साइकोलॉजी के ऊपर और इमोशंस के ऊपर काम कर सकते हैं? यस, रियली? ओके, वाओ। सो कैन यू जस्ट थोड़ा सा आप इलैबोरेट कर सकते हैं उसके बारे में? या, सी, कैसे होता है कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो दे हैव टू गो टू नंबर ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमास दैट एज अ पेरेंट, मुझे, मेरे जब भी बच्चे ग्रो हो रहे थे तभी मुझे ये सब समझ में आ रहा था, बट इतना मुझे वो टाइम पे उसका नॉलेज नहीं था कि हाउ टू एड्रेस। ओके, बट व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन क्लासेस, आई स्टार्टेड एज अ क्लासेस, टेकिंग क्लासेस फ्रॉम होम। सो पहले दो बच्चे आए, फिर चार, ऐसे आई हैड नेवर डन एडवर्टाइजिंग कि ऐसे कुछ, वर्ड ऑफ माउथ से ही मेरा जो भी आज मैं हूँ यहाँ पे, तो सारा कुछ वर्ड ऑफ माउथ से ही हुआ है। तो जैसे जैसे मैं आर्ट करती गई, सीखती गई, देखती गई कि कहाँ क्या का ये होने के बाद अभी और कुछ सीखना है और नया कुछ करना है, करते करते आई गॉट टू नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्ट थेरेपी। ओके, एंड इट वाज सो मैजिकल, आई जस्ट फेल इन लव विद इट। ओके, एंड आई एम स्टिल लर्निंग बिकॉज द सब्जेक्ट इज सो वास्ट, यू कांट टॉक अबाउट इट इन तो इट बेसिकली हेल्प स्टूडेंट्स और एनी अदर, मतलब कोई भी एज के ले सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि साइकोलॉजिकल, मतलब यू डोंट हैव टू गेट अफ्रेड कि साइकोलॉजिकल मतलब कुछ तो मेडिकल टर्म में साइकोलॉजी इट्स टर्म एज समथिंग एल्स, बट इट इज नॉट लाइक दैट। बच्चा कभी कुछ सब्जेक्ट से डर रहा है, फोबिया है कुछ तरह का, कुछ डर है, बच्चा इज वेरी हाइपर, ही इज नॉट लिसनिंग टू द स्कूल टीचर्स, या कोई बहुत सारे बच्चों में ऐसे डिफिकल्टीज, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, दे गेट स्केयर्ड विद मैथ्स, हाँ, मैथ्स के साथ, एंड देन लर्निंग सब्जेक्ट जो थियोरी पार्ट होती है, देयर दे गेट वेरी बोर्ड, प्रेशर होता है माँ बाप की तरफ से, परफॉर्मेंस देना है बच्चे को, कुछ और करना है। सो हाउ डस ये सब चीज़ों में हम आर्ट्स को कैसे इनकल्केट कर सकते हैं? हाँ, सो तो कैसे, जैसे आर्ट थेरेपी में वी कवर ऑल द फाइव सेंसेस, फाइव सेंसेस को लेके हम काम करते हैं, जिसमें जो क्लाइंट है वो और हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, पहले तो बातचीत से, पहले आई हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि यू डोंट हैव टू गेट वरीड, कि यू डोंट, पेरेंट्स को बहुत ये लगता है कि नो, माय चाइल्ड इज नॉर्मल, ही डजंट नीड आर्ट थेरेपी, व्हाट इज दिस, ही इज़ नॉट मेंटली, बट वो एक लोगों में एक ऐसे विश्वास हो रहा है कि नहीं नहीं ये बच्चे में तो नॉर्मल है, हम क्यों आर्ट थेरेपी कराएं। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। एंड उसमें क्या होता है कि बच्चे का, जैसे आपने बताया कि एक केस है कि जैसे बच्चा कोई मैथ्स में कुछ ट्रबल उनको हो रहा है, सो विद आर्ट थेरेपी दे हैव, आई हैव जैसे बहुत सारे टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं आर्ट थेरेपी में, देयर नंबर ऑफ आर्ट सप्लाई, वो यूज़ करके, बातचीत करके, स्लोली यू कैन मेक एंड क्रिएट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, व्हाट कलर्स ही इज़ यूजिंग, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कलर्स इसने ज़्यादा डार्कर टोन में यूज़ कर रहा है बच्चा, तो इसको कुछ एक डिप्रेशन, कुछ अंदर एक एंजाइटी है। सो विद दैट सेशंस, टॉकिंग एंड इन्वॉल्विंग
अराउंड द आर्ट वी कैन कम टू एन कंक्लूजन कि ये बच्चे को ये अलग अलग तरीके से हम लोग उसे ठीक कर सकते हैं. सो नेसेसरी नहीं है कि बच्चा हम आपके साथ बात भी करे. दिस इज सो यूनिक बिकॉज हम अक्सर सोचते हैं बात करेंगे तो शायद ओपन अप होंगे, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं ओपन अप होते बिकॉज दे डोंट फील कंफर्टेबल इवन विद देयर घर के लोग. दे आर नॉट कंफर्टेबल मे बी समवन आउटसाइड, बट अगर बच्चे को बोलना ही ना पड़े और देन और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, आई थिंक आर्ट कैन डू दैट टू. इवन आर्ट हैज हमने इतने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं. जैसे सीनियर सिटीजन्स में जैसे एक मेरे पास क्लाइंट आए थे तो उन वो उनके दोनों नी का ऑपरेशन हुआ था तो उनके तो इतने अच्छे रिजल्ट्स आए. तो शी यूज्ड टू ऑलवेज सिट एंड से कि एक एज के बाद ऐसा हो जाता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देख नहीं सकते, फिर वो टीवी पूरा दिन टीवी देखो बैठे रहो. एंड शी वाज पुटिंग ऑन लॉट ऑफ वेट. ओके. सो हर मदर हर डॉटर इन लॉ शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कैन यू हेल्प मी प्लीज, थोड़ा सा इनको कुछ आर्ट करवा दो. सो दैट इनिशियली इट वाज जस्ट डाइवर्ट बिजी, हां जस्ट टू कीप हर माइंड बिजी, बट देन दैट वर्कड. And she used to love and she used to पूरा मतलब वो canvas का पूरा उन्होंने booklet ही खत्म ही कर दिया 10 days में पूरा वो पूरा भर ही गया. Oh my God! Wow, that's amazing. And she's learning अभी तो बहुत सारा media है तो अलग अलग अपने self से भी learn कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि you have to attend, just that कि आप करिए, कहीं से तो start कीजिए तो emotionally अपने आप को बाहर लाइए. So वो करने से फिर उनका जो हीलिंग है वो भी बहुत जल्दी हो चुका है. तो द डॉक्टर वाज आल्सो लाइक आपने इतने जल्दी कैसे रिकवर किया, यू स्टार्टेड वॉकिंग. सीरियसली रियली? ओह वाह, दैट्स अमेजिंग. सो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि ना मैं ऐसे कुछ कर रही हूँ जिससे लोगों को से फायदा हो सके. विद आर्ट थेरेपी देयर आर और एक मुझे अच्छा एक क्लाइंट के बारे में बोलना है. जो बच्चा वॉज वेरी नॉर्मल बट उनका प्रॉब्लम ये था द मदर वॉज सो टायर्ड कि उसका बच्चा जैसे हम दोनों पैर जमीन पर रख के चलते हैं, ही नेवर यूज टू कीप हिज फुट डाउन. या ओके. द फीट वॉज ऑलवेज लाइक दिस, ही यूज टू वॉक लाइक दिस. ओह माय गॉड. एवरी टाइम शूज पहना था. कितने सारे साइको थेरेपिस्ट के पास जाके काउंसलिंग, बट दे वर नॉट गेटिंग. फिर एक दिन ऐसे ही बात चलते चलते, मतलब शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उन्होंने मुझे बताया यार ऐसा. मैंने बोला ये ऐसे क्यों चलता है? तो एवरीबडी यूज टू लाइक स्कूल में भी बच्चे मजाक उड़ाते ये तो ऐसे कंगारू जैसे चलता है. ओह माय गॉड. तो फिर मैंने उससे मतलब वैसे ही बच्चे को प्रॉब्लम है और उस पर और ज्यादा इमोशंस का भरीमार हो रहा है. माय गॉड, पुअर पुअर चाइल्ड. तो हाउ डिड आर्ट थेरेपी हेल्प? ऑलवेज वॉक लाइक दिस ऑन हिज फीट. पर उसे कुछ तकलीफ नहीं था उससे, बट सामने देखने से पेरेंट्स को भी लगता है ना यार ये थोड़ा सा. हाँ, बिकॉज हमारे वो नॉर्मल होने के कुछ नॉर्म्स होते हैं ना कि ऐसे रहेंगे तो नॉर्मल है, तो हम जो अगर उसमें कुछ अलग दिखेगा तो वी डोंट, सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट. तो आपने उसके उसके लिए क्या किया? भाई वो बच्चे के साथ भी बैठ के उसे काउंसिल करके उसका देखा कि कैसे कहाँ पे मुझे करेक्शंस की जरूरत है. फिर धीरे धीरे बात करके ही नेवर यूज टू टेक वाइट कलर इन हिज हैंड. कलर्स बहुत सारे मैं रखती थी, बहुत सारा मैंने उसको आर्ट मटेरियल देती थी, बट ही यूज्ड टू लव ऑल द कलर्स. पहले जैसे आएगा विल कलर एवरीथिंग ऑल हिज फेस एंड एवरीथिंग, ही यूज्ड टू जस्ट लव आर्ट कलर्स के साथ, बट नेवर यूज्ड टू नो लाइक वाइट कलर. तो दैट्स ऑल साइंस बिहाइंड इट कि एक टाइम ऐसे होता है जिसमें काफी हम लोग को कुछ कलर्स बहुत पसंद आते हैं. एग्जैक्टली, आई अग्री. कुछ टाइम होता है जिसमें यू फील डल. कभी हम लोग भी जैसे हम कपड़े पहनते हैं कुछ, कभी कुछ ओकेशन के लिए यू वी वेयर ब्राइट कलर्स, कभी डल कलर्स, जो जैसे पहनते हैं वैसे हमारा भी मूड ऊपर नीचे होते रहता है. सो इट्स ऑल अबाउट साइंस. सो द कलर्स बेसिकली इफेक्ट ऑल, मतलब हमारे पूरी लाइफ को इफेक्ट करते रहते. एंड देन वी कैन यूज दिस कलर एंड जनरेट समथिंग वेरी डिफरेंट. वाओ, दैट्स यूनिक. सो वो बच्चे को रिजल्ट्स मिले? डिड ही स्टार्ट वॉकिंग? या ही देन स्लोली स्टार्टेड वॉकिंग. ओह माय गॉड, दैट्स अमेजिंग. एंड नाउ ही कैन रन. एंड डज ही टेक द वाइट कलर? या ही स्टार्टेड टेकिंग नाउ. यस, दैट्स रियली अमेजिंग. आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स टू हियर दिस स्टोरी. सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस आई वाज आल्सो सो फैसिनेटेड कि यार ये इतना सब कुछ हो रहा है.
आर्ट के इट्स एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड एंड वी शुड एक्सप्लोर मोर एंड एज आई अंडरस्टैंड एंड लर्न आई एम गेटिंग मोर एक्साइटेड एंड इंटरेस्टिंग कि ना कि इसमें आगे और कुछ है और आगे सीखना है. वाओ दैट्स रियली अमेजिंग. एंड व्हेन यू गेट रिजल्ट्स देन यू आर लाइक एग्जैक्टली मतलब यू नो ओके दिस इज वर्किंग दिस इज बट दिस वन मोर थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिवली तुमको पूछना था कि देर इज़ अ मिथ के हम आर्ट्स जो है या आर्ट फॉर्म वाले या आर्टिस्ट जो होते हैं दे आर बॉर्न लाइक दैट दे हैव इट इन देयर जीन्स सबके बस की बात नहीं है. बट नाउ आई सी दैट यू टीच राइट. सो टीच करने के बाद ऑफकोर्स यू जो बच्चे होते हैं वो उसको ओपनली एक्सेप्ट करते हैं दे डू इट फैसिनेटिंगली. बट क्या ये सच में जीन्स की बारे में है या फिर इट इज़ समथिंग दैट यू कैन लर्न एंड डू इट. सो आई वुड से कि जीन्स ऑफकोर्स हो सकता है बट अगर किसी के जीन्स नहीं है तो यू कैन इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव टू लर्न आर्ट. जीन्स में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बूस्ट दे सकते हैं कि हाँ चलो आपको ये जीन्स है तो आप जल्दी से कुछ सीख सकते हैं. अच्छा ओनली दिस उतना ही फर्क है. बट एवरीबॉडी कैन लर्न आर्ट. एवरीबॉडी एक एक ऐसे सीनियर सिटीजन है हमारा मतलब मेरे साथ जो सीख के गए हैं जो दैट आंटी देन शी नेवर हैड टेकन एक पेंसिल भी कभी उठा के उन्होंने कुछ किया नहीं होगा. बट शी ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न आर्ट बट बच्चे हुए और सब कुछ घर का संभालने में रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो शी नेवर हैड टाइम टू एक्सप्लोर. बट अभी उनके पास काफ़ी टाइम है तो वो कर रहे हैं. अभी डिस्टेंस अभी सोशल अपना ऑफ कोरोना की वजह से हम लोग ऑनलाइन से क्लासेस हो रही हैं. सो ऑनलाइन आल्सो इट्स गोइंग ऑन यानी बट देन वो कनेक्शन मिल पाता है विद द ऑनलाइन थिंग्स आल्सो. I think it is more about with them, with ourselves. Now the connection is more about. I never give a target. नहीं ये ऐसा फूल है तो ये ऐसे ही होना चाहिए. It's never like that. Okay. Let them explore ना. मेरे से भी और अच्छा होगा. मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं जो करूँ उससे और अच्छा ही करें. Wow, that's a different. That's a very good part. A teacher is always a student, right? Even if it is in front of the children, it is. I learn so many things from students. Like they are, I should say, I have to learn from them. Wow. They, I don't teach. That's amazing. That's literally very nice. So, how can we learn this and know everything about it? How can we do that? What are the different, we talk about how, what are the different ways in we can explore ourselves? In different art forms ke baare mein hum baat karenge through your arts. Definitely. Okay? So, this is actually very fascinating. So, agar aap mujhe iske baare mein kuch batana chahoge, ye of course Krishna ji hai, but why is it so different? ये ना कैनवस बोर्ड पे बनाया हुआ है और यहाँ पे ना जो आप ज्वेलरी वर्क देख रहे हो ये जैसे कुंदन और ये सब ओके. वो घर पे जो मेरे कुछ ज्वेलरी पीसेस पड़े थे जो हम नहीं पहनते या स्पेयर में रहते हैं सो उससे देखे ये पूरा वर्क किया हुआ है. ओके तो यानी मेरा जो भी स्टॉक है वो एक्चुअली यहाँ पे निकल सकता है. बट दिस इज सो ब्यूटीफुल. और एक ऐसे ये भी बनाया मैंने सिमिलर टू दिस. ओके ये नवरात्रि में मैंने ये ऐसा आर्ट पीस बनाया था. ओ वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल. सो द पेंटिंग वाज डन एंड देन उसके ऊपर आपने ये इसको डेकोरेट किया हुआ है. वाओ दैट्स लवली. एंड दिस वन मोर थिंग ये तो जो नॉर्मल कैनवस है दिस इज द नॉर्मल कैनवस वाला दिस इज डन बाय अ स्टूडेंट. यहाँ पे दिस इज डन बाय अ स्टूडेंट या रियली ये वाला इसमें हमने जो अपने ईयरबड्स होते हैं उससे ये पेंटिंग किया है. इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर आर्ट थेरेपी. ओह लवली दिस इज अमेजिंग. ये लगता नहीं है दिस लुक्स क्वाइट प्रोफेशनल. आई टेल यू My God, this is really amazing. Look at this. Look at the colors. Yeah. Okay. So, let us talk about this one. ये कुछ unique लग रहा है. ये आप मुझे बताइए please कि exactly क्या है. ये सारा clay work है. Oh. Clay से छोटे-छोटे flowers बनाए. Oh. Yeah. And so this is also done by us. No. This I have done it. It's just a demo piece. I kept it. I do a lot of clay work also. Okay. क्योंकि clay से बच्चों का थोड़ा they feel calm, they relax, and they enjoy doing clay work.
ओके सो यू यू अलाउ देम लाइक उसके साथ मस्ती करने को पहले मस्ती फिर काम ओके सो इट डजंट सीम लाइक वर्क राइट दे आर प्लेइंग एंड स्टिल दे आर यूजिंग द कलर्स एंड वाओ दैट्स रियली अमेजिंग एंड दिस लुक्स सिंपल बट सिंस यू बॉट इट आई एम श्योर कि ये कुछ तो खासियत इसमें है तो आप इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज आई मुझे पता है मुझे याद है जब ये आपने डिस्प्ले पे डाला था आई रियली रियली लाइक इट एंड आई आस्क्ड यू फॉर स्पेशली टू गेट दिस तभी आपने मुझे बताया नहीं था एग्जैक्टली सो इट्स अ डेको पांच वर्क डेको पांच दिस इज डिफरेंट टेक्निक्स वी यूज इन आर्ट तो इसमें से ये डेको पांच करके फिर उसे पूरा पेंट किया हुआ है और पूरा वो थ्री डायमेंशनल फिगर मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश की। सो यू वर टेलिंग अबाउट द पेपर व्हाट एग्जैक्टली इट्स मतलब एक प्रिंटेड पेपर होता है जिससे ये कटआउट करके उसमें ये सब फिगर्स ड्रॉ करके देन यू हैव टू जिससे वो 3D डायमेंशनल एक लुक आएगा लुक आएगा बट स्टिल इट्स ऑन अ फ्लैट या इट्स ऑन अ फ्लैट पीस या वाओ दिस इज अमेजिंग रियली अमेजिंग आई रियली लव दिस एंड देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू द क्राफ्ट पार्ट आल्सो व्हाट यू शो इज रियली डिफरेंट सो मतलब आर्ट्स में हम बोलते हैं ऐसा मानते हैं कि देयर इज नथिंग वेस्टेड सो डू यू डू दैट नथिंग वेस्टेड नथिंग वेस्टेड लाइक वार्निंग लाइक आई डोंट लाइक टू नो आई टेल माय स्टूडेंट्स कि नो कुछ भी छोटा सा भी चीज वेस्ट नहीं होना चाहिए सारा यूज़ करो अच्छे से और जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं तो दे पेरेंट्स आर वेरी एक्साइटेड अरे माय चाइल्ड इज गोइंग फॉर आर्ट क्लासेस देन दे से मैम व्हाट ऑल थिंग्स वी रिक्वायर्ड जस्ट पुट अ लिस्ट सो आई से नथिंग जस्ट सेंड योर चाइल्ड विद अ स्माइल सीरियसली व्हाट एवर इज देयर एट होम सबके घर में सब कुछ होता है जस्ट दैट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट Why to waste unnecessary money? Crayons के इतने सारे colors, इतने सारे crayons हर एक के घर में होते हैं colors होते हैं तो there is no need to buy the material. You just use whatever is there around you, you can create art. ये सब जो है art यहाँ ये आपको कहीं मतलब YouTube में या ऐसे बहुत सारे social media में you will not find all this because this is all एक imagination से और creativity से बनाया हुआ है. Exactly. So I wanted to use all those things. In my way, so it's my creativity. Wow, that's amazing. So, हम आपके साथ साथ let us see some of your students' creativity also. Yes, so, Shefali has actually bought us this special thing, and it has all the pics of her students. Wow, look at this. This is amazing. Okay. Okay, so this is practically you there with them and helping them do everything. Yeah. This really seems so cute. Embossed paintings. Okay. She's just 3-year-old girl doing glass painting here. Oh my God. I get very fascinated with glass painting. Because uska jo last ka effect aata hai, wo itna beautiful hota hai. Yeah. And it's love doing art. Yes. See, this is some building blocks also. Some children, they like to build blocks. कुछ क्रिएटिविटी 3D इफेक्ट्स ही इज मेकिंग दैट देयर आर सम लेडी मतलब आई टीच फॉर एल्डर पीपल आल्सो तो शी इज अ होम मेकर सो आई टॉट हर दिस पेंटिंग सो गाइस ये हम थोड़ा सा आगे जल्दी जल्दी आपको बताएंगे सो दैट वी कैन कवर एवरीथिंग लुक एट दिस नेचर दिस इज सो ब्यूटिफुल ओ माय गॉड दिस इज माय यंगर डॉटर ओ दिस इज पेंसिल शेडिंग This is lovely. Wow. And this is a program I want to mention here. Yeah. See this is my team, a small team. There was a talent show in our society. Ha ha ha. Ganpati mein jo hota hai society mein to the challenging part was you have to create something in 4 minutes. Ah. Yes. So the students they made a canvas painting live on the stage in 4 minutes. Wow, we can definitely show that. When I spoke to about my idea with parents, they were like, "No, ma'am, how it is possible? He can't even draw, something exactly, simple. Exactly, but yeah. It's very difficult to draw it on the stage. Huh. But then we did, and there are pictures where you can see the trial. That they were doing. Yeah, they were doing. This is the team. This oh, are the lovely, parents. So sweet. And this is a painting which is done
ऑन स्टेज बाय विद्या, शी इज माय डॉटर. दिस इज कवर्ड इन 4 मिनट्स. That's amazing. So it needs practice. Yes, yes, 100% practice. Everything needs practice. This is a whole book of sweet, beautiful children. And see this one, who's actually amazingly enjoying with colors. Colors, yeah. And you don't, aapke saath, this is of course a lot of things we will, I will show you later on the next video. But, मुझे एक बात बताइए शेफाली, जो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है. आप बोलते हो कि बच्चे पहले खेलते हैं, राइट? और हम अक्सर कलर्स को देखते हैं कि इट शुड बी प्रिसाइज, वी डोंट लुक इट एज हैविंग फन. ये कितना ज़रूरी है एज एल्डर्स ऑल्सो, हमको भी एक रिस्ट्रिक्शन होता है, कलर को इधर स्पिल मत करो, उधर मत गिराओ, ये that मत करो. How? See, mothers, they don't want their children. They want everything to be copy-paste. Like, ये सीखा है बच्चा, ये जैसे अभी कुछ कहा है. और a simple example is a personal example I'm giving you. One a reputed school teacher, she approached me and she's saying कि ma'am, I heard that you are taking classes. I want to send my daughter, but see, I don't want you to teach her like cat जैसा होता है. वो शी शुड नो हाउ टू डॉ कैट एंड अ डॉग, बट शी यू कैन नॉट टीच हर कि ये ऐसे ही सिखाओ, ये ऐसे ही सिखाओ. सो आई सेड ओके, सो यू टेल मी कि हाउ टू गो अबाउट इट. सो देयर आर सम क्वेश्चंस लाइक स्टूडेंट पेरेंट्स ऐसे कुछ, तो इट्स सो एब्स्ट्रैक्ट. या राइट, ओके, सो वी हैव कम टू एब्स्ट्रैक्ट. Good, the word came up. So, can we have something that is abstract? I'm sure you must be having something much. That you are going to do it now. Yeah. Achha, I am going to do something. Yes, yes. Wow, that's amazing. That's we'll amazing. Have Ruksana paint an abstract art. So, we are going down the memory lane, becoming small children. And see, here is the abstract art. Okay. So, I'll be giving you a color. Oh my God. Can you show us something abstract? Have you got something for us? An abstract painting with a different design? Yeah. Okay. So here is a abstract art. Okay. This is really amazing. Itne sare colors. Yeah. तो ये जब art ये कोई और painting बन रहा था. हाँ. तो जो पेंट करते वक्त हम जो उसे स्प्लैश करते हैं कलर्स, हर बार होता है तो वो जो कलर्स गिर के ये जो आर्ट फॉर्म हुआ है, इसमें फिर हमने कुछ ऐसे फिगर्स ड्रॉ किए. ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्रिलियंट. वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट, राइट? दैट इज वेस्ट कलर. या दैट इज वेस्ट. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू शो दिस आर्ट, कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ तामझाम करना पड़े. Exactly. आप ऐसे कुछ आर्ट फॉर्म कर सकते हैं, प्रॉपर कलर्स करो, जरूरी नहीं है, बट स्टिल वी हैव समथिंग इन इट, राइट? लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. कैन यू आइडेंटिफाई दिस फिगर्स, हाउ मेनी यू कैन सी? ओके, सो मुझे तो ऐसा लग रहा है दिस इज, दीज आर हॉर्सेस, ऐसे मुझे दिख रहा है. ओके, सो आई कैन सी 3 horses एट प्रेजेंट. Okay. Okay. So, are there more? No, there are more horses. Okay. And one more. This is very dear to me. Oh. It's a gift from my father. Really? Yeah. Is he's this an from? Amazing. He's a very good artist. Yes, yeah. I have been fascinated. So this is always, when I work, it is always there with me. Ooh, on my that table. That is such a noble gesture. Wow. Yeah. Yes, you can see the professionalism in it. Yeah. Yet. He uses the colors. I don't know, I'm not an art master, but I have been fascinated with whenever I've seen his drawings. Yeah. And audiences, we are going to see a beautiful picture. Specially, maine request kiya hai Shefali ko apne ghar ke pictures mein se wo pictures ko definitely dikha. It is amazing, amazing. Wow, so this is my dad's work. So I always keep this with me. Yeah, can we just say his name? So yeah, my father is an artist. His name is Sharad Kambli. Wow. Yeah. Okay, so this is dedicated to you. It is from you, of course, but this is amazing.
दैट इज व्हाई ये काफी डिफरेंट लग रही थी जब आपने मुझे पहली बार दिखाया था, राइट? ओके, सो हियर इज चैलेंज, ओके, सो नथिंग, यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट रिलैक्स, इट्स वेरी सिंपल, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ आपको ये आउटलाइनर से यू विल जस्ट ड्रॉ एन आउटलाइन, ओके, एंड देन द डिफिकल्ट पार्ट विल पुट इट एज अ सरप्राइज फॉर आवर व्यूअर्स, यू वांट द व्यूअर्स टू गेस व्हाट इट इज, यस, ओके, सो You want me you to? You can take a golden gold keeper. You can use black and white for this. Okay. Part. So you want me to draw just the outline? Yes, yes. Okay. Start from here. Okay. Just on the gold. Easy? Yes, it seems easy, but I'm sure इसमें भी कुछ तो रहेगा because it is you, and the outcome is going to be very different. Wow, I just feel so amazing just by doing this. There is something very unique about this. You just keep it here. I'm sure मैं ठीक कर रही हूँ अब तक. Yeah, yeah, yeah. Please मुझे जरूर बताना. Yeah, yeah. I'm just going overboard. And also take your time. Okay, I can see. सी समथिंग तो मैं बस उसको आउटलाइन करने की कोशिश कर रही हूँ आई एम श्योर आई एम नॉट गोइंग टू टेल व्हाट इट इज बिकॉज हमारे व्यूअर्स गेस करने वाले हैं कि क्या है सो आई जस्ट कीप दिस स्टिल योर राइट या ओके ओके इट्स डन दैट्स डन नाउ वी कैन टर्न अराउंड एंड यू हैव टू अच्छा यू कैन डू इट फ्रॉम हियर आल्सो Can take this. Okay, because I can't go lights ki wajah se. I think I'll have to do it in this way only. Hmm. Can you I see? Hope I just don't smudge. Yeah, I can see. So what I'm carrying in my hand is a type of paint. It's an outliner. Okay. Hmm. So basically you are giving an outline to this painting. Yeah. Okay. You are good at art. Oh, I'm just trying to be a good student at present. Yes, but yes, I love my colors. Although in school when we learnt, it was just like, you know, mountains and the scenery was that's it. And used to marvel at kids who used to really paint well. Mm-hmm. I used to love it, but you know, we come to the next part that I always think like art form ko, people think as the last option or not an option at all. Mm-hmm. Which is very depressing for me mm-hmm. because you can actually work with colors and we do it every day, right? Hum mm-hmm. har roz colors ke saath kaam karte hain. Sirf itna hai ki art mein it is just another way of working with colors. Mm-hmm. Hai na? That is what I feel. I know I'm not that. Abhi kaafi matlab people are understanding the importance of art and they are you know, taking interest. Even children, they are very smart enough to catch up. Yes. Ki, no, ma'am, I want to do this. Yes. Oh, ma'am, please teach me this. And I really wish all the students get Shefali ma'am because the way you talk about art is really very different. You take us to another level. I hope I've done things right. Yeah, okay, all the and lines. This here one, black. This is, here, thoda sa ye wala. Okay. See, only the professional will know it. That's it. Yeah. So the challenge is okay. Now this is ready. Okay. So you have to guess what it is. Okay. We can show it to our audience. Yes, of course we'll show it to them. Just tell me कैसे इसको पकड़ना है. कैसे भी करूँ. Okay. They will. Anyway, okay. Any so, which ways. It can be so either handle this. So आप लोगों का ये challenge way. है. के आपको ये बताना है कि आपको क्या दिख रहा है इसमें राइट ओके
So audiences, you have to guess what exactly this is. मुझे कुछ इमेजेस दिख रहे हैं बट आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, वो हम शूट के बाद बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. सो यस पीपल, दिस इज व्हाट आई इमोटेड टुडे. ये मेरा इमोशन बाहर आया है एंड आपका भी बाहर निकालिए. टिल देन शेफाली, इट वाज रियली अमेजिंग टॉकिंग टू यू. एंड क्या हम आपके डैड के बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं? आई नो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक बट आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो, आई वॉन्ट पीपल टू नो अबाउट हिम. ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ वर्किंग, ही यूज़ टू वर्क विद जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ड्यूरिंग दोज डेज एक्चुअली ही पास आउट फ्रॉम देयर एंड ही गॉट अ जॉब इन दैट सेम कॉलेज एज एन आर्टिस्ट, फाइन आर्ट आर्टिस्ट. एंड देन then he got an opportunity to work with Oman police. Okay. So he went there and then he used to do as a sketch artist. He used to work there. Okay. तो उन्होंने वहाँ के जो सुल्तान है उनका भी पोर्ट्रेट बनाया. ओह रियली? या एंड ही इज लाइक थरो आर्टिस्ट. लाइक मैंने सारा मेरा जो भी ये आज मैं जो भी हूँ मैं मेरे फादर की वजह से ही हूँ. And of course, my family, my husband, he is very supportive. Yes, yes, and of course, my kids. Mr. Girish Nair, right? Yes. We are supposed to mention, definitely mentioning him. Yeah. And so. Vidya is definitely a charm in Vidya, your... Vidya, Smriti, yes. All, both my children, my mother-in-law, my mother, they are like homemakers, but they always motivated me. Ki you do something, you are liking anything, so you have to pursue it. That's amazing. That's really amazing. Like, you know, a woman empowering another woman. Yeah. That's really amazing. And plus in that field where log sochte hai ki it is not that huge thing, but you have shown a very different picture of arts today, and I'm so glad you made it a point to come here. Thank you. I am it's really a pleasure. Happy. It's mine. I know this is, you already have so much, I can't give you anything else, but this is just a small token of love from Life Talks by Ruksana to the awesome woman who made it happen. And you made it happen, right? Yeah. And through you, there are so many people who are going to be inspired and take forward their journey in arts, right? We are hoping that. Thank you so much. This welcome. Is the best part. So I also have one thing to share with you. Oh wow, that's amazing. This is something new for us. Okay, you've got a present for us. This is that for is, me. Oh, thank you so much. Should I open it yes, now? Yes, okay. Go ahead. Oh my god, this is really amazing. Oh, I'm so excited. वो जो होता है ना छोटा सा बच्चा जिसको गिफ्ट मिलता है. ओ दिस इज माय ड्रीम कम ट्रू. ओ माय गॉड, आई होप यू लाइक इट. आई ऑलवेज वांटेड अ पेन. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज यू. ओ माय गॉड, oh my god, thank you so much. Oh my god, I can't. Thank you so much, really. I know you deserve it. I can't it. Thank you, deserve you enough. Oh my god. So I made this logo and I want you to write, I left some space here, I want your name here, so I want it to be written by you yourself. Oh, that's so why how, I left this how space do I write it? I can you open can just it and... take your time and that is your homework. Yeah, yeah. Now this is your homework. I'll do that. Thank you so much. I'm really in tears because I'm so happy. I'm so glad. I've never seen myself in such beautiful, in such beauty. You have really made me so beautiful. This is so amazing. Thank you so much. I can't thank you enough. Oh, so we just
क्लोज आर सेशन आर एपिसोड ऑन अ वेरी इमोशनल लेवल. थैंक यू व्यूअर्स टू मेक फॉर मेकिंग दिस हैपन एंड थैंक यू शेफाली सो मच फॉर दिस. प्लेजर इज माइन. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी.